एक बात समझनी होगी, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था देती है हिंदुस्तान। फिर से दोहराता हूं, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को देती है। ये लोग कौन है? ये छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखना, जैसे ही मॉरेटोरियम उतरेगा, एक के बाद एक कंपनियां गिरेंगी। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खत्म हो जाएंगे, और आप जानते हो वो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। ये देश अपने युवाओं को आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा। और ये अब दिखने को मिले, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारा देश, 70 साल में ये कभी नहीं हुआ, हमारा देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। और आप मेरी बात अभी मत मानो, कौन नहीं, राहुल गलत बोल रहा है। जैसे कोरोना के समय कहा था, नहीं राहुल गलत बोल रहा है, मैंने कहा था जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ा। बात मत मानो, 6-7 महीने रुक जाओ, आपको दिख जाएगा कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि रोजगार देने वाले जो लोग हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, किसान, ये रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यही बर्बाद है।